हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैग्रांज मल्टीप्लायर्स के बारे में और साथ ही साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके लैग्रांज मल्टीप्लायर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये जो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स है उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये लैग्रांज मल्टीप्लायर्स किस काम में आता है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, ये लैग्रांज मल्टीप्लायर हमें काम लगता है, कोई भी फंक्शन अगर हमें एफ ऑफ एक्स वाई जेड देके रखा है तो वो फंक्शन का मैक्सिमा यानी कि वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और वो फंक्शन का मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए ये लैग्रांज मल्टीप्लायर काम आता है। मैक्सिमा मिनिमा को हम क्या बोलते थे अगर याद हो तो? उसे हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते थे, उसे हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते थे। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल यूज क्या है लैग्रांज मल्टीप्लायर का? टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर, इसके जस्ट पिछले वीडियो में भी हमने दिए गए फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढा था, उसके लिए हमने एक प्रोसीजर यूज करी थी, तो डिफरेंस क्या रह गया वो पिछले वीडियो की प्रोसीजर का और ये लैग्रांज मल्टीप्लायर का? क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में हम क्या ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि पिछले वीडियो में जो हमने मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढा था, तब जो प्रोसीजर यूज करी थी उसमें हमने क्या देखा था कि दिए गए न्यूमेरिकल में सिर्फ हमें एक फंक्शन देके रखा था, ठीक है, और लैग्रांज मल्टीप्लायर की हेल्प से हम मैक्सिमा और मिनिमा कब ढूंढ पाएंगे कि जब न्यूमेरिकल के अंदर एक फंक्शन तो देके ही रखा होगा और साथ साथ एक कंस्ट्रेंट भी देके रखा होगा और वो कंस्ट्रेंट को हम बोल देंगे जी ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पिछले वीडियो की प्रोसीजर मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने के लिए कब काम में आएगी? जब सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन देके रखा होगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल के अंदर फंक्शन के साथ साथ अगर कंस्ट्रेंट भी देके रखा है जी ऑफ एक्स वाई जेड, तब मैक्सिमा और मिनिमा ये फंक्शन का ढूंढने के लिए हम लैग्रांज मल्टीप्लायर्स की मेथड का यूज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढे ये फंक्शन का यूज करके? तो उसके लिए हमें लैम्बडा की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब कैसे लैम्बडा की हेल्प लेनी पड़ेगी वो तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने किसके लिए? दिए गए फंक्शन के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है कि लैग्रांज मल्टीप्लायर से मैक्सिमा और मिनिमा आप कब ढूंढ पाओगे कि जब फंक्शन के साथ एक कंस्ट्रेंट भी देके रखा हो तब। कैसे मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढ पाओगे लैग्रांज मल्टीप्लायर से? तो हम बोल देंगे लैम्बडा के हेल्प से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई टेक्स ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई एट प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वन। तो यहां पे हमें क्या पूछा गया है? तो हमें पूछा गया है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये जो फंक्शन है इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, और साथ में क्या देके रखा है? साथ में कंस्ट्रेंट भी देके रखा है। तो कंस्ट्रेंट को हम क्या बोलते थे? जी। सो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एट प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वन, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये फंक्शन की ढूंढनी है तो क्या करें? पिछले मेथड का यूज करें? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे कंस्ट्रेंट देके रखा है तो लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि कंस्ट्रेंट है। अब लैग्रांज मल्टीप्लायर का कैसे यूज करें? तो उसकी एक कॉमन मेथड है, वो सारे न्यूमेरिकल में सेम रहने वाली है लैग्रांज मल्टीप्लायर के लिए, तो वो मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो वो मेथड में पहला स्टेप कौन सा होगा कि सबसे पहले तो ये जो फंक्शन देके रखा है, ये वाला फंक्शन, उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करा दो। बाद में उसका आंसर जो आया उसे इक्वेट कराओ किससे? ये जो जी फंक्शन है उसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करा दो और लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से आगे बढ़े तो उसी तरीके से ये जो फंक्शन एफ है उसको अब वाई से पार्शियल डिफरेंशिएशन करा दो और उसको इक्वेट कर दो किससे? ये जो जी फंक्शन है उसको भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन करा दो और लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो। ये फर्स्ट स्टेप है, हर एक न्यूमेरिकल में कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो करते हैं कैसे? तो
ये फंक्शन है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराना है, तो एक्स के लिए वाई वाला टर्म कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल्स टू, अब ये जो जी फंक्शन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 8 तो है ही, और मल्टीप्लाई विथ लैम्बडा। उसी तरीके से यहां पे कर देते हैं, ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई कराना है, तो वाई के लिए एक्स कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। अब ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई कराना है, तो वाई के लिए एक्स वाला टर्म कांस्टेंट, सो एक्स स्क्वायर बाई 8 जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय 2 तो है ही है, और 1 का 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, y is equals to 2 4 by 8, so x by 4 lambda, ये एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और इसमें क्या मिला हमें, ये lambda भूल गए मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 कैंसिल, so x is equals to y lambda, तो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। ठीक, अच्छा अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, टू इक्वेशन, दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन के साथ हमारे पास दो वेरिएबल है, कौन से, एक्स वाई, एक्स वाई लैम्ब्रा तो कांस्टेंट है हमें पता है, ठीक है, तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो दो इक्वेशन की हेल्प से हम दो वेरिएबल का आंसर फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब दो इक्वेशन की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब दो इक्वेशन की हेल्प से कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई भी टेक्निक लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे इजीनेस के लिए, तो मैं बोल दूंगा कि ये इक्वेशन वन है उसे दोनों साइड मल्टीप्लाई विथ एक्स कर दूंगा, ठीक है, और ये इक्वेशन टू है उसे दोनों साइड मल्टीप्लाई विथ वाई कर दूंगा, ठीक है। क्यों ऐसा किया समझ में आ जाएगा, तो यहां पे दोनों साइड मल्टीप्लाई विथ एक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू लैम्बडा, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई विथ वाई, सो एक्स वाई हो गया मल्टीप्लाई विथ वाई, वाई स्क्वायर लैम्बडा हो गया, ठीक है। अच्छा अगर ये दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो क्या बोल देंगे, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, तो अब हम दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वेट करा देंगे, यानी राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की बराबर है, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की बराबर है इसलिए, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कराते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू लैम्बडा विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू लैम्बडा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट को देखना है, हर एक न्यूमेरिकल में कंस्ट्रेंट में क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 8 है और हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जिससे करके क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 टू जा 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/2 या डिवाइडेड बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर बाय 8 की जगह हम वाई स्क्वायर बाय 2 रख सकते हैं, क्यों, एक्स स्क्वायर बाय 8 का आंसर क्या आया, वाई स्क्वायर बाय 2। तो अब यहां पे आ जाते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 8 की जगह वाई स्क्वायर बाय 2 रखो, तो वाई स्क्वायर बाय 2 बाचा वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अच्छा अब ये एलसीएम तो 2 आ गया, तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये 2y स्क्वायर बाय 2 हो गया विच इज इक्वल टू 1 हो गया, ये कैंसिल, सो y इज इक्वल टू रूट, ये वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर इसका रूट करना पड़ेगा तो रूट 1 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 1 कितना होता है, प्लस और माइनस, पता ही है रूट की वैल्यू प्लस में या माइनस में आ सकती है, ठीक है, यानी y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब y की वैल्यू से x की वैल्यू ढूंढेंगे कैसे, कि ये जो y की वैल्यू है यहां पे रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, कैसे रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 को वहां पे ले जाएंगे, सो एक्स स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 1 में से माइनस 1/2 है निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, सो एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 2, ठीक है, ओके। अब यहां पे x और y की वैल्यू मिल चुकी है तो यहां पे हमें कुछ पॉइंट भी मिले हैं, कौन से पॉइंट मिले हैं देख लेते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, पहले x कॉमा वाई, तो पहले 2 लिख लेंगे और इसमें 1 लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा मिला, x कॉमा वाई, पहले 2 और बाद में माइनस 1 लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट कौन सा मिला, पहले माइनस 2 लिख लेंगे
फिर वन लिख लेंगे, चौथा पॉइंट कौन सा मिला, पहले माइनस टू लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस वन लिख लेंगे, यानी चार पॉइंट अब हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फंक्शन जो है कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम बनता है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम बनता है। तो आसानी से हम फाइंड कर पाएंगे कैसे, जैसे कि मैं बोल दूंगा ये फंक्शन को देख के कि पॉइंट नंबर वन पे ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि 2 1 अगर इसमें रखोगे 2 1 तो आंसर क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ये जो हमारा फंक्शन है, कौन सा, ये वाला फंक्शन, सॉरी ये वाला पॉइंट, इस पे हमें ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। क्यों मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि यहां पे x और y की वैल्यू डालोगे तो 2 × −1 तो कितना मिलेगा, −2 मिलेगा, जो कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। उसी तरीके से यहां पे भी एक माइनस है तो ये माइनस ही रहने वाला है, तो −2 मिलने वाला है, तो ये भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे दोनों माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 मिलेगा, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि f ऑफ, ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, f ऑफ ये फर्स्ट पॉइंट 2, 1 कितना हो जाएगा, ये 2 × 1 यानी 2, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन की क्या है, मैक्सिमा है या मैक्सिमम वैल्यू है। फिर f ऑफ 2, −1 तो ये कितना, x × y, सो 2 × −1 − 2 ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमा मिल रहा है। f ऑफ तीसरा पॉइंट −2, 1 तो ये −2, 1 वापस से −2 तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमा मिल रहा है। और आखिर में पॉइंट बचा हमारा f ऑफ −2, −1, सो x y करना है, सो −2, −1 करेंगे तो +2 आएगा, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x into y into z सब्जेक्टेड टू अ कंस्ट्रेंट x² + y² + z² = 3। यानी यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ये जो फंक्शन देके रखा है f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x into y into z, ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, मैक्सिमम और मिनिमा ढूंढना है, और साथ में कंस्ट्रेंट भी देके रखा है। तो कंस्ट्रेंट को हम g(x, y, z) बोल देंगे, जो के होगा x² + y² + z² - 3, कर दे ना करे चल एक ही बात है, इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो कंस्ट्रेंट है तो लैग्रैंज मल्टीप्लायर यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो वही कॉमन प्रोसीजर। सबसे पहले क्या बोला था हमने कि ये फंक्शन का एफ ऑफ एक्स ढूंढो, उसे इक्वेट कराओ जी एक्स से, साथ में लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसी तरीके से ये फंक्शन का एफ ऑफ वाई, एफ वाई ढूंढो, उससे ये फंक्शन के जी वाई से इक्वेट कराओ, साथ में लैम्ब्डा मल्टीप्लाई कर दो। और आखिर में क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा, जेड है इसलिए ये फंक्शन को जेड से डिफ्रेंशिएट कराओ, इक्वेट करो, ये फंक्शन को भी जेड से डिफ्रेंशिएट कराओ, साथ में लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आओ करते हैं, तो ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराना है, तो एक्स के लिए वाई जेड कैसे हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 विच इज इक्वल टू, ये g फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है, तो ये x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा × λ, प्लस x के लिए y वाला टर्म, z वाला टर्म 3 कांस्टेंट, तो 0 के बराबर हो जाएंगे डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, y के लिए x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 विच इज इक्वल टू, ये g है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, तो y के लिए x वाला कांस्टेंट हो जाएगा, z वाला कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, y² का क्या हो जाएगा, 2y × λ, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड कराएंगे, तो जेड के लिए एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम विद रिस्पेक्ट टू जेड कराएंगे, तो जेड के लिए एक्स वाई और 3 कांस्टेंट, तो z² का हो गया 2z × λ, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें 3 इक्वेशन मिले हैं, ठीक है। पिछले न्यूमेरिकल में 2 इक्वेशन मिले थे क्योंकि x और y दो ही वेरिएबल थे, यहाँ पे 3 इक्वेशन मिले क्योंकि 3 न्यूमेरिकल है, 3 वेरिएबल है x, y और z। अब क्या करें, हमारे पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल x, y, z,
ठीक है, लैम्ब्डा कांस्टेंट, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, कोई भी मेथड का यूज कर लो। ठीक है, तो यहां पे इजीनेस के लिए मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे एक्स नहीं तो मल्टीप्लाई विथ एक्स कर देंगे, यहां पे वाई नहीं तो मल्टीप्लाई विथ वाई कर देंगे, यहां पे जेड नहीं तो मल्टीप्लाई विथ जेड कर देंगे। तो क्या होगा देख लेते हैं, तो इसका देख लेते हैं मल्टीप्लाई विथ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ एक्स टू एक्स स्क्वायर लैम्ब्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे मल्टीप्लाई विथ वाई, सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई टू वाई स्क्वायर लैम्ब्डा। आगे बढ़ो, इसे जेड से, सो एक्स वाई जेड, जेड से, सो टू जेड स्क्वायर लैम्ब्डा। ठीक है, अच्छा अब ये जो तीन इक्वेशन हमें मिले, ये वाले तीन इक्वेशन, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या ढूंढ पाएंगे कि तीनों इक्वेशन की सेम लेफ्ट हैंड साइड है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है तीनों इक्वेशन की, ये वाली, वो भी सेम होगी। तो तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड हम इक्वेट करा देते हैं कैसे, तो टू एक्स स्क्वायर लैम्ब्डा विच इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर लैम्ब्डा विच इज इक्वल टू टू जेड स्क्वायर लैम्ब्डा। क्या होगा, टू से टू कैंसिल, ये लैम्ब्डा भी कैंसिल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर निकाल देंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये हमें एक रिजल्ट मिल चुका है। अब जो भी रिजल्ट मिलता है वो हम किसमें इंसर्ट करते हैं, वो हम कंस्ट्रेंट में डालते हैं। ठीक है, तो अब कंस्ट्रेंट में डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह हम x लिख सकते हैं, तो y की जगह x लिखा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z की जगह हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो z की जगह x और स्क्वायर तो एज इट इज है, माइनस थ्री हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो कर दो, या फिर यहां पे आप वो साइड ले जाओ तो विच इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीन बार एक्स स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू थ्री, ये कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला वन, एक्स का वैल्यू कितना मिला रूट वन, रूट के बाहर निकालोगे तो प्लस और माइनस वन। ठीक है, एक्स का वैल्यू मिल गया, अब एक्स का वैल्यू अगर मिल गया तो वाई और जेड भी मिल जाएंगे। कैसे वाई और जेड मिलेंगे, यहां पे लिख के रखा है एक्स का जो वैल्यू है वही वाई का वैल्यू है वही जेड का वैल्यू है, यानी एक्स का जो वैल्यू है वही वाई का वैल्यू है प्लस और माइनस वन। ठीक है, वही जेड का वैल्यू है प्लस और माइनस वन। ठीक है, एक्स वाई जेड के वैल्यू मिल चुके हैं, अब हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं, कैसे, तो यहां पे लिख लेते हैं पॉइंट वन। ठीक है, पॉइंट वन कौन सा होगा हमारा, पॉइंट वन होगा वन कॉमा वन कॉमा वन, ये पॉइंट वन हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा पॉइंट होगा, अब माइनस वाला इंसर्ट करते हैं, दो माइनस तो माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कर देते हैं। तीसरा कौन सा होगा, तो इसको इंटरचेंज करते हैं, माइनस वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन। चौथा कौन सा पॉइंट होगा, तो वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन, दो माइनस वाले खत्म। पांचवा पॉइंट कौन सा होगा, पांचवा पॉइंट अब सिंगल माइनस वाला कर देते हैं, सिंगल माइनस वाला यानी माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन। छठा पॉइंट वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन। सातवा पॉइंट वन कॉमा माइनस वन कॉमा, ये माइनस तो आ गया यहाँ पे, तो ये वन कॉमा वन माइनस वन। ठीक है, एक माइनस वाला खत्म हो गया, दो माइनस वाला खत्म हो गया, अब बचा कौन सा, तीन माइनस वाला, तो आठवां पॉइंट कौन सा होगा, माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन, यानी सारे पॉइंट हमने ले लिए हैं। अब हमें ढूंढना क्या है, ये जो फंक्शन देके रखा है उसके लिए कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलती है, वो हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे, तो सिंपल सा आंसर है क्या कि अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये पॉइंट रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा ये फंक्शन का, प्लस वन आएगा। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट रखे तो यहाँ पे, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, यानी तीन बार माइनस वन, तीन बार माइनस वन यानी नेगेटिव वन ही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट पे ये फंक्शन का मैक्सिमम मिल रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन के बराबर है। उसी तरीके से ये पॉइंट पे ये फंक्शन का मिनिमा मिल रहा है, और मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन के बराबर है। उसी तरीके से बीच के जो पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये सारे पॉइंट अगर देखें जिसमें एक ही नेगेटिव साइन है, तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव वन आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि एक ही नेगेटिव है, एक्स वाई जेड में से एक भी नेगेटिव हो तो पूरा फंक्शन नेगेटिव वन हो जाएगा, तो नेगेटिव वन यानी हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये सारे मिनिमा है।
ठीक है। उसी तरीके से अगर ये पॉइंट्स की बात करें हम, तो इसमें क्या है, दो नेगेटिव है, तो एक्स वाई जेड में से अगर दो नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सपोज ये एक्स माइनस वन, वाई वन और जेड माइनस वन, तो भी प्लस हो जाएगा। यानी ये दो नेगेटिव वाले क्या देंगे, मैक्सिमम वैल्यू देंगे, और कितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वन के बराबर। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, मैक्सिमम मिल जाएगा। आप सारे पॉइंट्स रख देना कैसे, जैसे कि एफ वन कॉमा वन कॉमा वन इसमें रख देना, तो बोल देना वन वन वन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वन, और लिख लेना ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। आखिरी का मैं लिख लेता हूँ, बीच के आप लिख लेना, माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन, तो माइनस वन एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ओरिजिनल फंक्शन माइनस वन, तो ये मिल जाएगा माइनस वन, बोल देना ये मिनिमम वैल्यू है। इसी तरीके से इसका भी कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप लैग्रैंज मल्टीप्लायर के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, और भी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।